उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में राष्ट्रीय युवा दिवस पर राष्ट्र जागरण युवा संगठन ने किया युवाओं का सम्मान। आपको बताते चलें कि राष्ट्र जागरण युवा संगठन के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम उपजा प्रेस क्लब में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यातिथि रश्मि पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर पवन सक्सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भारद्वाज, कार्यक्रम अध्यक्ष सुधा सक्सेना, कार्यक्रम संयोजक हर्ष साहनी रहे। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मंच संचालन कर रहे सचिन श्याम भारतीय ने बताया कि स्वामी विवेकानंद ने हमेशा महिलाओं की शिक्षा व देश की युवा शक्ति को धर्म मार्ग पर चलने की मार्ग को दर्शाया है। इसके लिए उन्होंने पूरे देश को पैदल भ्रमण किया, लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले संदीप यादव, जीप संरक्षण हेतु सदमित गुड्डू भैया, समाज सेवा में संजू भैया, चिकित्सा डॉक्टर अनुजा सिंह, डॉक्टर रजत चौरसिया को सम्मानित किया गया। संगठन में नवनियुक्त पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई, जिसमें डॉक्टर वंदना सक्सेना को जिला सचिव, गीता धोरे को मंडल उपाध्यक्ष, कीर्ति पांडे को मंडल महासचिव, सुमन भाटिया को महानगर सचिव, नेहा भोजबानी को महानगर उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। आज आप देख रहे हैं राष्ट्र जागरण युवा संगठन, जिसमें नाम से ही स्वतः स्पष्ट है कि युवाओं का एक संगठन है। भाई अमित भारद्वाज जी और पूरी टीम, सौरभ शर्मा जी, सब लोगों ने बहुत ही ऊर्जा के साथ और बहुत ही कमिटमेंट के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय रश्मि पटेल जी हैं, वो भी आई हैं। उनके विचारों से सब लोग ने उनको सुना है। और आज का दिन युवाओं को आगे बढ़ने का दिन है। हमारे जो हीरो हैं, असली हीरो हैं भारत के, स्वामी विवेकानंद जी, उनको याद करने का दिन है और उनके बताए रास्ते पे चलने का दिन है। सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज ये डॉक्टर पवन सक्सेना जी ने जो कार्यक्रम रखा है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ जो आज मुझे मीडिया को सम्मानित करा और मातृशक्ति को। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने, आप गूगल्स पे देख लीजिए और आपने यूट्यूब पे देखिए आप, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि मैं समझती हूँ हर व्यक्ति अपने जीवन में अगर एक भी उनकी विचारधारा अपना ले तो उसका जीवन सफल है। मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ, उनके कुछ शब्दों को लेकर आप अपने मार्गदर्शन करिए और उनके पद चिन्हों पर चलिए। तो मैं युवाओं से यही कहती हूँ, आपका जीवन मतलब उज्जवल और भविष्य आपका बहुत ही ब्राइट होगा। इसी के लिए सभी का बहुत राष्ट्र जागरण युवा संगठन विगत 8 वर्षों से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती धूमधाम से मनाता चला आ रहा है और हमें गर्व है अपने राष्ट्र जागरण युवा संगठन के कार्यकर्ताओं पर, अपने साथियों पर, कि उन्होंने कभी भी इस कार्यक्रम को मिस नहीं किया। और आप हमारे बैनर को भी देखेंगे तो हमारे बड़े भाई डॉक्टर पवन सक्सेना जी के सानिध्य में हमने जो बैनर बनाया उसमें स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जैसे लोग हमारे आदर्श रहे, हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे संगठन के। ये बहुत ही गर्व का विषय है कि आज हमें स्वामी विवेकानंद जी एक हमारे लिए ऐसी युवाओं के लिए वो छोड़ गए हैं। अगर वास्तव में युवा उनके पदचिन्हों पर चले तो युवाओं का ही नहीं, इस देश का भविष्य भी उज्जवल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।